मैंने वृंदावन वाला जो व्लॉग है वो फर्स्ट मैंने डाल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया है। सो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आओ, उसके बाद ही सेकंड पार्ट का मज़ा आएगा। सो सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, वहाँ की क्या चीज़ें जो थी ज़्यादा अच्छी लगी, और नेक्स्ट टाइम हम फिर दोबारा जाएंगे और सारी चीज़ें देखूंगी और एक्सप्लोर करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। सो आप इंजॉय करिए ये वाला व्लॉग भी। सो ये था गोवर्धन मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, और इसकी परिक्रमा भी होती है, बट वो हम नहीं कर पाए क्योंकि अगर वो करते तो टाइम लग जाता, और इसी वजह से हम उसकी परिक्रमा नहीं कर पाए। बट हाँ, हम अंदर मंदिर में गए थे। आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम जाएँगे तो ज़रूर कर आएंगे। और काफ़ी जगह लिखा हुआ था कि फ़ोटो लेना मना है, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जो भी थी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। अब स्टार्ट वो बंद कर देते हैं। तो आ गए हम गोवर्धन के मंदिर से होकर। परिक्रमा हमने नहीं करी, वो हम अगली बार कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। अरे ये ले मेरे बाप, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से हमने वो नहीं करा। अब हम जाएंगे मेरे फेवरेट जिसपे मैं जाना चाह रही थी, प्रेम मंदिर में, क्योंकि वो प्रेम मंदिर खुलेगा नहीं खुलेगा, 4 बजे वैसे खुल जाएगा शायद, देखते है ना जब हम उस साइड से मतलब आ रहे थे। तो ये है कुसुम सरोवर, जो कि दार्शनीय मतलब दर्शनीय वो है जगह है। यहाँ पे ज़्यादातर है ना टूरिस्ट लोग आते हैं, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, नाव वाव का सिस्टम भी है। आज तो मौज आ रही है भाई, सारी चीज़ें देख लेंगे आज तो। देखो मम्मी को डर लग रहा है, आस पास सारे में वो है पानी पानी। ये कोई स्टंट टाइप में है, जो कि I want to try this, but I think ये चल नहीं रहा। इसके ऊपर कोई वो ट्रेन टाइप में होती है, देख अबे ट्रेन। चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होगी हमारी। अभी हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं कि कब प्रेम मंदिर खुलेगा, उसका खुलने का टाइम 4:30 बजे का है। सो ठीक है, जब खुलेगा तब हम अंदर जाएंगे। इतना थोड़ी देर है ना, गाड़ी में रेस्ट कर लेते हैं हम, घूमाए उसके बाद फिर एक और मंदिर में जाएंगे, उसके बाद शायद हम घर जाएंगे। बस यही था, इतना ही था काम है मम्मी पापा को, इतना इतना नहीं घुमाएंगे, एक दिन का ही टूर होता है बस मेरा। ये है प्रेम मंदिर, यही तो मेन चीज है, यही तो मेन चीज है। सो प्रेम मंदिर जैसे ही खुला, इतनी सारी भीड़ थी अंदर जाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बट हाँ सबसे जो ज़्यादा सुंदर लगा मुझे वो ये ही लगा, प्रेम मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा। बहुत जगह तो उसका मन कर रखा है, बढ़िया है, लेकिन जो भी है पैदल आ गई थी। ये मस्त ले, जय श्री राम जय श्री राम। और ये पूरा पे पहले तो इसके अंदर जाते भी थे, वो नहीं जाते शायद, बंद कर रखा। और ये नाग देखो कितना बढ़िया लग रहा, इतनी मेहनत के बाद तो निकली, क्योंकि कितना सुंदर लग रही है पानी निकलते हुए यहाँ पर। अब देखो पूरा घूम कर आते हैं, काश ये भी खुला होता मज़ा आ जाता। ये इसका बैक साइड है पीछे से पूरा ऐसे।
बहुत बढ़िया। सो ये था ग्वालियर जहाँ पे कृष्णा जी की गाय थी और उनके सारे साथी थे। अच्छे से इन्होंने डिफाइन कर रखा था ये सब चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये इसका बैक साइड है। कृपा वदे ले मैं रखिया जगदम्बा खड़े हो जाओ। हम अच्छी गिर चलो पूरा उसमें। और ये था रथ जिसपे अर्जुन जी और श्री कृष्ण बैठे थे और इन पे इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी चीज़ें। और मतलब राधा कृष्ण की मूर्तियाँ इस मतलब इतनी अच्छी बना रखी थी डांस करते हुए, हर चीज़ करते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये है गोवर्धन पर्वत। कितनी बढ़िया लग रही है शिवलिंग। और यहाँ पर अपने कृष्णा और राधा जी, हाँ ये रहे हमारे कृष्णा और राधा जी। ओह कितना सुंदर लग रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कृपालू, आजा आजा, बढ़िया बहुत बढ़िया। और साथ में ये है ये गोवर्धन जो कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तो ये हम अंदर आ गए थे प्रेम मंदिर के। और यहाँ पर हर जगह फ़ोटो खींचना मना था, बट मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी वीडियो ली। और लोग बोल भी रहे थे कि वीडियो मत बनाओ या फ़ोटो मत खींचो। उसके बाद गए हम वैष्णो देवी के मंदिर में, जो कि नवरात्रे चल रहे थे इस वजह से हमने सोचा कि चले जाते हैं। और काफी अच्छा था अंदर से, काफी ज्यादा सुंदर था। निकल तो गया था तो वैष्णो देवी जितना बाहर से सुंदर नहीं था, उससे ज़्यादा सुंदर अंदर से था। लाइटिंग और जो भी कुछ था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था वैष्णो देवी मंदिर। और ये माता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, कहीं भी ऐसी जगह जाओ तो तुम्हें अच्छा लगता ही लगता है। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो माता रानी बिल्कुल पीछे हैं, दिख नहीं रही होंगी।
तो माता रानी के भी हमने दर्शन कर लिए। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है, घर जाएंगे क्या जाएंगे, मिलते हैं आपको गाड़ी में बैठने के बाद, मिलते हैं आपको। उसके बाद हमने करी गुफा में एंट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, सारी माताएं उसके अंदर थी, और मतलब जो गुफा का डिज़ाइन था और जो भी कितना सुंदर था, मतलब आगे चल के देखो कितनी सुंदर गुफा थी। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये है ऊपर से, बाकी यहाँ है। उसके बाद दर्शन करने के बाद कुछ खाया पिया और अपने घर के लिए निकल दिए, क्योंकि मम्मी पापा को काम भी था, सो इसी वजह से हम जल्दी आ गए। अगली बार जब भी आएंगे तो सारे मंदिरों के दर्शन ज़रूर करके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी में मतलब जामनी, हरियाणा में जामनी, और दिल्ली में आके तो जाम ही जाम। तो मैं सोने जा रही थी, उसके बाद मुझे याद आया कि इस व्लॉग की एंडिंग भी तो करनी है। एक तो मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई यार, थक चुकी हूँ यार मैं बहुत बुरी तरीके से, सभी थक गए हैं, मेरी आंखें देखो। एक तो मैं सोई नहीं, मुझे 17 कम से कम 17 या 18 घंटे हो गए हैं मैं सोई नहीं हूँ। अब जाकर सोऊंगी, गाड़ी में भी नहीं सो पाई मैं, अब जाके सोऊंगी। सो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा लगा ही होगा। इतनी प्यारी जगह थी, मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं बहुत मतलब मन से जाना चाहती हूँ, और उसमें से एक ये थी वृंदावन। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो कि मैं जाना चाहती हूँ, और मैं धीरे धीरे करके जाऊँगी, मम्मी ने बोला है ले जाएंगे। सो ये वाला ब्लॉग तो यही था। और हाँ, मैं अगर ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई वृंदावन जाए तो पहले तो ज़रूर जाना वृंदावन, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ पर, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और कुछ जगह तो ज़रूर जाना, जैसे प्रेम मंदिर हो गया, वो भी बहुत सुंदर है, मतलब कि
जितना मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उतना आपको नहीं पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं, बट आप रियल में जाके देखोगे ना बहुत ही अच्छा है। और एक भाग्य बिहारी का मंदिर जो कि मतलब औसम है यार, मतलब वहाँ पे जगह नहीं मिलती वहाँ पे जाने की, इतनी भीड़ भड़का आपको शायद दिख भी गया होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, बट वहाँ की जो वाइब है वहाँ का, मतलब मैंने ठान लिया था कि अंदर जाके ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ मर के जाके ही रहना है। सो हाँ यही था, और भी काफ़ी सारी वहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर है भाई, अगर तुम घूमने जाओ तो जितने भी दिन तुम घूमो उतना कम है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह मंदिर मंदिर है। बट हाँ हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक अच्छे मंदिर पे गए थे, अच्छे तो नहीं खैर फेमस जो है वहाँ के जो मतलब बड़े मंदिर हैं वहाँ पर हम गए थे, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब मेरी फैमिली का भी, वो भी फर्स्ट टाइम गई है, पापा तो जा चुके हैं बट नहीं क्या कहते हैं किसमें था वो शीश महल उसमें था। हाँ मैंने फर्स्ट वाले मंदिर में गए थे जिसका नाम मुझे याद नहीं, देवकुंड ऐसी कुछ नाम है उसका, उसमें मतलब कि हमारा पोपट हो गया, पोपट तो नहीं हो बट हाँ वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था और हम अंदर चले गए, बट ठीक था जो भी था ओके था, पता तो चला कि हाँ ये भी ऐसा कोई कुछ होता है। सो ठीक है अब मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पहले मैं सोची व्लॉग एडिट कर लूँ, व्लॉग एडिट करके सोऊंगी फिर पूरी मतलब दिन अच्छे से सोती रहूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनेगा आगे का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में कोई अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर। सो बाय बाय।